वर्किंग इन हाउस बोट, मेरा अपना हाउस बोट नहीं है। अच्छा। हमारा रोजगार सिर्फ टूरिस्ट के ऊपर डिपेंड करता था। अच्छा। अमित शाह साहब ने बताया 10 तारीख के बाद आफ्टर 10 को यहाँ टूरिस्ट आएंगे, लेकिन टूरिस्ट का कोई नाम निशान नहीं है। दस पंद्रह साल से हम शिकारा चलाता है, इस साल ज़्यादा कमाया था, इस साल जहाँ इस साल टूरिस्ट सीजन था, अच्छा इस साल टूरिस्ट यहाँ पर आ गए थे बहुत, मगर इसने अचानक ये किया टूरिस्ट को वापस, हमको भी पता नहीं, तो यहाँ पर किसी को पता नहीं था इसको क्या करना है, मोदी को क्या करना है। इस टाइम ज़्यादा बंगालियों का रश होता था। अच्छा। हमारे हाउस बोट में अगर कम से कम 6,000-5,000 हाउस बोट मालिक कमाता था, मैं भी तकरीबन 500-600 रुपया मेरे को भी मिलता है दिन का। हाँ, सैलरी और कुछ टूरिस्ट ट्रिप रूप देते हैं। आज जेब से हो गया है 100 रुपया खर्च। अच्छा। पैसा एक टक्का भी नहीं कमाया है। कितना गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, सबका नुकसान इससे किया है। जब से टूरिस्ट आया उससे उसको बोला वापस भेजो, कश्मीर में मत बैठो, सब टूरिस्ट को बुला दिया वापस। इसको गर्ज था कश्मीरी को मारना था, यहाँ जहाँ रेडा वाला हो, शिका ऑटो वाला हो, कब घोड़ा वाला हो, सबका यह बिजनेस चौपड़ हो गया, ख़त्म हो गया इसी की वजह से। यह हाउस बोट में देखो शाम तक लाइट चलाता था, अब इससे भी हड़ताल किया, शाम के वक्त लाइट बंद होता है। इसको बोलते हैं गुंडा राज, जो अग्रीमेंट पहले था उसको कोई कलम नहीं डाल सकता था। वो 370 को हाथ क्यों लगाएगा, उससे पहले अच्छा था, इससे 370 हटा दिया। ये बोलता टूरिस्ट आएगा, कोई इससे कुछ नहीं होगा, टूरिस्ट को कोई जगह नहीं देगा यहाँ से। देखो आप देखो, 2 महीने से बंद रहा है। यह दिखाता सुबह का 6 बजे ढील होता है 1 घंटे के लिए, किसी को सब्जी लेने के, दवा लेने के लिए, मेडिकल शॉपिस के लिए। वो रील दिखाया कश्मीर में अमन है, कहाँ अमन होता है। ये दफा 370 के लिए हड़ताल है, ये अगर गवर्नमेंट वापस ले लेगा सब नार बल जाएगा।